पूजा में खूब आनंद आ रहा है। भाई साहब यहाँ कहाँ बैठे हैं? भाई साहब वो भाई साहब उधर बैठे, ऐसे भलाई करो भाई। अगली पूजा के लिए मैं अनुरोध करूंगा माता की, हाँ जी माता की मूल प्रतिमा के पास खड़े होने के लिए दो परिवारों को अनुरोध करूंगा। श्री मगराज साहब उनके धर्मपत्नी दोनों पधारे माता की मूल प्रतिमा के बाद। आपका विवाह का दिन भी आने वाला है ना? कब है? कितने साल, कितना कितना साल का है? 32। अच्छा आपने याद है सब। इनके 32 साल का विवाह का दिवस भी बस परसों है और जन्म दिवस दोनों का समवेत यह कार्यक्रम हुआ। मैं चाहूंगा वे पधारे और उनके साथ पूजा का लाभ लेने के लिए इंदौर से पधारे हुए जो आज के कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से इंदौर से पधारे हैं, मैं गौरव और सम्मान के साथ और आप सबको कहूंगा उनका ताली बजाकर सभी अभिनंदन कीजिएगा। जब बता रहा हूँ कारण क्या है, पहले बता रहा हूँ, आज देश भर में हमारे लाखों लाख लोग यूट्यूब में प्रवचन सुन रहे हैं ना, लाखों लाख लोग। कई आपको जानकर गौरव होगा, देश में कई प्रवचन ऐसे हैं अपन लोगों के जिनको 75 लाख से ज्यादा लोग YouTube में देख चुके हैं। उस संपूर्ण YouTube की आज की तारीख में जो व्यवस्था संभालते हैं हमारे धर्म संघ के गौरवमय सुश्रावक इंदौर निवासी श्री आनंद जी जैन परिवार। कहा है आनंद जी? मैं चाहूंगा ताली बजाकर आनंद जी का अभिनंदन कीजिए। इन्होंने संपूर्ण देश भर में, विश्व भर में जो हमारे YouTube प्रवचन थे सबको बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया और आज पूरा विश्व मतलब एक एक प्रवचन के 70 लाख 80 लाख दर्शक पैदा किए हैं। आनंद जी को बहुत बहुत साधुवाद ऑल राउंड का। चलो आगे बताए पूरा परिवार और पधार कर माता की पूजा करने का सौभाग्य लीजिए। हाँ जी गंध पूजा, हाथ जोड़ो सभी लोग, चंदन से माता की पूजा कर रहे हैं। बहन आप सराफ परिवार से? सराफ यहाँ गया जी। और कौन है? सराफ परिवार की बहने यहाँ आज गए, बैठ जाओ आराम से और पूजा का लाभ ले लो। अलग अलग चेंज करते रहो, दो महिलाएं इसमें आ जाओ, फिर दो महिलाएं उसमें आ जाओ, ऐसे दो दो महिलाएं आते रहो। हाँ कमल बाबू अब आप खड़े हो जाइए दोनों। अब गंध पूजा के लिए आप दोनों आगे आ जाओ बहनों। हाँ चंदन पूजा करने के लिए माता की, चंदन से पूजा करने के लिए आप पीछे वाके बैठ जाइए। हाँ बेटियो अगली बार में आप लोग आ जाना, ठीक है ना? आप सभी लोगों की जो टीम है ना वो आ जाना। वो सबसे छोटी वाली आप ही है ना, देखो खड़े हो। देखो ये कमल जी आज के जो पूजा के लाभार्थी है ना, कमल जी उनके सबसे छोटी वाली बेटी है। हालांकि अभी गांधी मैदान में अभिनंदन किसका हुआ था? आपके हुआ था ना? किस चीज में मैं चैंपियन है? स्केटिंग में पूरे विश्व स्तर पर इस बच्ची का नाम चलता है। गांधी मैदान में बड़ा अभिनंदन भी इनका हुआ था। पर मैं गौरव के साथ बताऊंगा जब ये बच्चियां केवल 4-4 साल की थी, कितनी ये जन्मी उससे पहले संभोधाम से जुड़ा हुआ ये घर, तो जब ये बच्चियां केवल 4-4 साल की थी, ताली बजा कर अभिनंदन कीजिए इन बच्चों को। संपूर्ण गीता याद, संपूर्ण भगवत गीता ये इस घर का गौरव है। इस घर की अमीरी घर का गौरव नहीं है, अमीर तो इस शहर में और भी कहीं बैठे हैं, पर घर का गौरव है छोटी छोटी बच्चियां जब 4-4, 5-5 साल की थी बाप जी के दर्शन करने आती थी और संपूर्ण गीता भगवत गीता इन बच्चियों को कंठस्थ है ना। अभिनंदन की बात आज भी है पर कुछ बचपन में कंठस्थ किया बड़ी बात है। चलो माता की चंदन पूजा तैयारी कर लो। दादाजी विराजो, ओ दादाजी विराजो सा। हाँ आगे बता रही आनंद बाबू पूजा का लाभ, सबको बुलाऊंगा अभी मैं। अच्छा बैठ ठीक है, हाथ जोड़ो करा दूसरी पूजा। क्षां क्षीं क्षूं क्षं स्वरूपे हन विषम विषम स्थावरम जंगमं वा संसारे संसृतानां तव चरणयुगे सर्वकालांतराले अव्यक्त व्यक्त रूपे प्रणत नरवरे ब्रह्म रूपे स्वरूपे पंक्तिर्योगिन्द्र गम्ये सुरभि सुभक्रमे त्वां यजे देवि पद्मे। सब बोलो त्वां यजे देवि पद्मे, त्वां यजे देवि पद्मे। क्षां
क्षी क्षू क्ष बीजाक्षरों से अभिमंडित हे मां भगवती पद्मावती, आपके चरण कमलों के शरण में जो आ जाता है वो जीव का तो यूं ही निस्तार हो जाता है। अब प्रकट और प्रकट रूप में आप हम सब लोगों की सहयोगिनी है, योगिंद्र के द्वारा भी पूजनीय है। हे सुंदर चरणों वाली मां भगवती पद्मावती, हम सारे भक्त जन बहुत श्रद्धा और भक्ति भावना से आपकी चंदन पूजा संपन्न कर रहे हैं। ओम ह्रीम श्रीम श्री पार्श्वनाथ शासन देवी सपरिकरायै गौरवर्णायै मनोवांछित पूर्णायै धन धान्य कौशगारादि वृद्धि करायै शांति तुष्टि पुष्टि रिद्धि वृद्धि प्रदायिकायै मनोवांछित पूर्णायै क्षेमं करायै विजयं करायै जिन शासन प्रोद्योत करायै शाकिनी डाकिनी अशुर दानव प्रमथनायै पाताल लोक निवासिनी पद्मावत्यै जयार्थे विजयार्थे मंगलार्थे श्रेयार्थे समस्त भक्त जन आत्म कल्याणार्थे सराफ परिवार के द्वारा आयोजित इस महापूजन में गंधम समर्पयामिति चंदनम समर्पयामिति स्वाहा। सभी लोग आओ, जिनके पूजा के कपड़े हैं वो आकर के माता के चंदन से पूजा कर लो। सभी लोग आओ, क्रमशः खड़े होते रहो, एक साथ ही क्रमशः जिनके पूजा के कपड़े। ओम ह्रीम श्रीम पद्मावती चंदनम समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम पद्मावती चंदनम समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम पद्मावती चंदनम समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम पद्मा चंदनम समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं पद्मावती 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 चंदनम सभी लोग स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं पद्मावती चंदनम समर्पयामि 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 स्वाहा। हो कितना प्यारा है श्रृंगार मेरी बोले जय जयकार। कितना प्यारा सभी लोग, हो कितना प्यारा है दरबार तेरी बोले जय जयकार। कितना प्यारा है, प्यारा है दरबार मैया का, प्यारा है दरबार मैया का बोले जय जयकार। सुंदर से सुंदर मुकुट पहनाया है तुम्हें, सुंदर से सुंदर दरबार पहनाया है। वो कितना प्यारा है दरबार तेरे बोले जय जयकार। कितना प्यारा है, कितना प्यारा दरबार तेरे बोले जय जयकार। कितना प्यारा है, अपन तीसरा पूजन संपन्न कर रहे हैं अक्षत पूजन। अक्षत की थाली लेने के लिए मैं बहुत गौरव और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा
हमारे शहर के गौरव में सुशावक जिन्होंने मानव कल्याण के खूब काम किए हैं, पूरा शहर इन पर गौरव करता है। देश के शीर्षस्थ पद पर पहुंचकर इन्होंने धर्म संघ के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, जिन शासन के कल्याण के लिए जो इन्होंने दिव्य कार्य किए हैं, हम संबोधि धाम संघ पूरा परिसर इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। और मैं गौरव के साथ अगली थाली स्वीकार करने के लिए यानी अक्षत पूजा की थाली पूजा समर्पण करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा ओसवाल सिंह सभा के अध्यक्ष शहर के गौरवमय व्यक्तित्व आदरणीय के एन भंडारी साहब, कृपया आगे पधारें और पधारकर पूजा की थाली स्वीकार करें। और उनके साथ परम गुरु भक्त संबोधि धाम के संरक्षक जिन्होंने हमारे भीलवाड़ा में तीन तीन गौरवपूर्ण चातुर्मास कराने का सौभाग्य लिया, मेवाड़ के महाराणा सुरेंद्र सिंह जी सुराणा, कृपया आगे पधारे और पधारकर अक्षत की थाली, हाँ सजोड़े सजोड़े अक्षत की थाली स्वीकार करें। भंडारी साहब पधार, आगे किशन प्रभु पधार, सेवाभावी व्यक्ति गौरव पधार प्रेम से, हाथ जोड़ो सभी लोग। अब काम ये करना है, अक्षत की थाली यहाँ पर रहेगी और सभी लोग आकर के पहले माता के आगे एक चौकी लगो अक्षत, अच्छा साथी ऊपर किए ठीक है, साथी पहले से किए ठीक है, हाँ हुकम, एक साथी और करने के लिए थाली दीजिए अक्षत की, बाकी 27 साथी पहले से किए हुए पधर बड़े माता रहे मूर्ति आगे करवा दीजिए पर सभी लोग पधर लाभ ले। नमो सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यः अक्षत पूजा करो सा माता की, आगे पधार दो और आगे प्रतिमा जी के बिल्कुल पास में पधार दीजिए, हाथ जोड़ो सा, मैं थाने हाथ जोड़ूं कितने हाथ जोड़ो सा, अब जो पूजाएं आएंगी ना फल पूजा नैवेद्य पूजा यानी मिठाई, उनमें सभी भक्त खड़े होंगे, एक एक फल एक एक फल एक एक साथी पर चढ़ाएंगे, पुरुष लोग फल चढ़ाएंगे महिलाएं मिठाई चढ़ाएंगे, इस तरह एक एक साथी पर सभी लोगों को चढ़ाने का सौभाग्य मिलेगा। पूजा में आनंद आ रहा है ना, आ रहा है तो हाथ खोलो बजा लो, जय माता भगवती पद्मावती माता की। दैत्ये दैत्यारिनाथे नमित पदयुगे भक्ति पूर्वं त्रिसंध्यं यक्षे सिद्धैश्च नम्रे रहमहमिकया देह कांत्याश्च कांत्ये आम ईम ऊम तम अ आ ई मृड मृड मृडने सस्वरे निश्वरेते रेवं प्राहीयमाने क्षत धवल बरैस त्वाम यजे देवी पद्मे, सब बोलो त्वाम यजे देवी पद्मे, त्वाम यजे देवी पद्मे। एक अक्षत की थाली यहां भी दीजिए सामने है, बड़ा अक्षत है, हाँ थोड़ा आगे किसको मगर दैत्य देवेंद्र यक्ष और सिद्धों के द्वारा अहम अहमिका पूर्वक देहनी कांति से पूरी पूरित आम ईम ऊं तम अ आ ई ऐसे स्वर युक्त बीजाक्षरों के साथ पाप समूह को नष्ट करने वाली और बीजाक्षर प्रभाव से समृद्ध करने वाली हे देवी पद्मावती माँ, हमारे पापों का नाश करो, हमारा हृदय श्वेत हो निर्मल हो पवित्र हो, श्वेत अक्षत से हम आपकी पूजा संपन्न कर रहे, बात करें तो ठीक है संपन्न कर रहे हैं। ओम ह्रीम श्रीम पार्श्वनाथ शासन देवी सपराकराय गौरवर्णाय मनोवांचित पूर्णाय धन धान्य कोषगाराद्य वृद्धि कराय शांति तुष्टि पुष्टि वृद्धि वृद्धि प्रदायिकाय क्षेमं कराय विजयं कराय सृजन शासन प्रौद्योत कराय शाकिनी डाकिनी असुर दानव प्रमतनाय पाताल लोक निवासिनी पद्मावत्यै जयार्थे विजयार्थे मंगलार्थे श्रेयार्थे सराप परिवारेण कारापितं कल्याणार्थे विश्व शांत्यर्थे
कोरोना रोग मुक्त्यार्थे अक्षतम समर्पयामि इति स्वाहा। एक बार बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ओम रिम श्रीम पद्मावती अक्षतम समर्पयामि सा, और एक एक साथी को छूते रहिए। ओम रिम श्रीम पद्मावती अक्षतम समर्पयामि स्वाहा। ओम रिम श्रीम पद्मावती अक्षतम समर्पयामि स्वाहा। ओम रिम श्रीम पद्मावती अक्षतम समर्पयामि स्वाहा। इतनी कृपा मैया तुम बनाए रखना, इतनी कृपा पद्मावती बनाए रखना, क्या मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा मैया तुम बनाए रखना, इतनी कृपा माँ पद्मा बनाए रखना, और मरते पुष्प पूजा 16 फरवरी को ध्यान में ले लीजिए। माता की अब अपन पुष्प पूजा कर रहे हैं, एक बार सभी लोग विराज जाओ और ध्यान में ले लीजिए। बसंत पंचमी सामने आ रही है, ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, शिक्षा की देवी, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा संबोधि धाम में विराजमान है सरस्वती माता के 21 फीट की बसंत पंचमी का पावन दिन आ रहा है, क्या किया जाए बताओ, पूजा की जाए ना। तो माँ की भक्ति करने के लिए सरस्वती माता की विशेष रूप से मंत्र साधना करें।
आप तो तुम्हें बाप जी बोला बहुत संबोधित धाम में नियमित आकर जितनी गुरु भक्ति के साथ वो सेवा संभालते हैं अभिनंदन के पात्र हैं। बसंत पंचमी सामने आ रही है और अपन सब लोगों ने एक स्पेशल मंत्र साधना विधनापा करा ला, आत्म कल्याण विद्या प्रदायिनी मुक्तिदायिनी मन को निर्मल और शुद्ध करने वाली भगवती सरस्वती माता का अपन 21 फुट की जो नीचे प्रतिमा विराजमान है प्रतिवर्ष अपन पूजन करते हैं। तो सभी लोग अभी से ध्यान रखना 16 फरवरी मंगलवार बसंत पंचमी दिन अपन सिगला ने संबोधित धाम आने हैं और आकर के माता री सुबह ठीक 9 बजे पूजा प्रारंभ हो जैसी और पूजा के बाद में सिगला लोगों ने प्रसाद लो लाभ ले उन्हें तो सिगला लोग ध्यान रख लीजिए। चलो मैं आपा उस दिन की पूजा हमारे संबोधित धाम के ट्रस्टी बहुत जिनकी तन मन धन से सेवाएं प्राप्त होती रही है बहुत सीधे सरल आज संबोधित धाम में जितनी विद्युत व्यवस्थाएं संचालित होती है सरा से आज से 25 साल से अकेले वो ही बंदे अपनी तरफ से संचालित कर दे रहे हैं। हम धर्म संघ के गौरव में सुशावक बसंत जी सिंघवी और श्रीमती उषा जी जैन के परिवार के द्वारा बसंत पंचमी का महापूजन और प्रसादी उन्होंने पिछले साल ही अपना नाम घोषित करवा लिया था, हालांकि अब कई नाम आ गए हैं पर वो पहले से चुकी तय था, तो उनको संबोधित धाम ट्रस्ट मंडल की ओर से ये महापूजन कराने की रजा दी जाती है। मैं चाहूंगा बसंत जी की भी खड़े होंगे। हाँ अच्छा ठीक है, फॉर्म में नहीं लगे कहीं बनी कहीं बनी, मैं जागता हूँ अभी तक ठीक है। और अगले वर्ष बसंत पंचमी को किसी को भी अपनी ओर से सरस्वती माता का महापूजन कराना हो अपना नाम दिमाग में रखेगा, उसी दिन फिर वापस घोषणा होगी कि अगले साल का लाभ बसंत पंचमी का किसको मिलेगा। चलो अब अपन करते हैं माता की पुष्प पूजा। इसके बाद जितनी भी पूजाएं होंगी अब वे सब लोग कर सकेंगे जिनके पूजा के कपड़े भी नहीं है, जो सामान्य कपड़ों में आए हैं वे लोग भी अब आकर के माता की पूजा कर सकेंगे। और पुष्प की थाली स्वीकार करने के लिए माता की तो अब यहाँ पर लोग मातारी पुष्प पूजा संपन्न कर सा और पुष्प पूजा करने वास्ते सिगला लोगों ने अनुरोध है सराह परिवार के जो महानुभाव पूजा के कपड़ों में आए हैं अब सराह परिवार के हाथ से ये पूजा हो रही है और उसके बाद सब लोग जितने भक्त आए हैं उन सबके हाथ से पूजा होगी। तो पूजा की पुष्प की थाली लेने के लिए और इस थाली को हाथ में स्वीकार करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे धर्म संघ के गौरवमय श्रावक जिन्होंने हमारे गांधी मैदान का प्रथम चातुर्मास जिसे शायद पूरा शहर कभी भूल नहीं सकता है पूरे नगर की आबो हवा बदल दी थी, हमारे गांधी मैदान का पहला चौमासा कराने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया था धर्म संघ के गौरव में शुभ श्रावक संबोधित धाम के सदस्य और हम जिनसे बेहद प्रेम करते हैं आदरणीय उमेद मनसा गांधी कृपया आगे पधारे और पधार कर और गुलाब नगर धर्म संघ के गौरव में शुभ श्रावक आदरणीय श्री लक्ष्मी चंद साहब बागरेचा कृपया दोनों पधारे पुष्प की थाली हाथ में ले और माता को पुष्प समर्पण करने का सौभाग्य सराह परिवार पूरा खड़ा हो जाए और ये जो माता के पुष्प समर्पण नहीं आप बैठो आपको ये आपकी स्थायी सीट है ठीक है ना, बाकी परिवार के सदस्य वहां खड़े हो जाएं, माता को पुष्प भी चढ़ाएंगे माला चढ़ाएंगे मुंह पर वस्त्र बंधा होना जरूरी है। मंत्र बोलो सर अजी उम्मीद मन साहब उसके बाद तो गांधी मैदान में चौमासे कराने में कितने लोग पैदा हो गए, आप वो थे जिन्होंने पहली मत की बाबजी अकेला सीट काफी है गांधी मैदान के लिए है। अकेले बंदे ने गांधी मैदान का पूरा चौमासा कराया याद है पहला सीट गांधी मैदान के इतिहास में किसी भी संत की पहली बार 55 दिन तक प्रवचन माला चली थी है ना गांधी मैदान के इतिहास में पूरे 2 महीना की
2006 में और अकेले बंदे ने हिम्मत की, बाप जी न कोई समिति चाहिए न कोई ट्रस्ट चाहिए, उम्मीद अपने गांधी का कुछ अभिनंदन। पुष्प पूजा हा पक्षी बीज गर्भे सुरवर रमणी चर्चिते नेक रूपे कोपमं छं विधेयं धरितवर करे योगिनां योग मार्गे हं हं सा स्वांग देश्य प्रतिदिन नमिते प्रस्तुता पाप पट्टे देखिंद्रे ध्याय माने विमल सलिल जय स्वाम्य जे देवी पद में स्वाम्य जे देवी पद में स्वाम्य जे देवी पद में। हाँ पक्षी ऐसे बीजाक्षों को गर्भ में रखने वाली उत्तम देव रमणियों के द्वारा भी पूजित महान दिव्य स्वरूप वाली कोपम मम जम बीजाक्षों के द्वारा आराध्य हम सह ऐसे बीजाक्षों के द्वारा वंदनीय पवित्र पाठ पर विराजमान दैत्येंद्रों के द्वारा ध्यान करने वाली हे माता पद्मावती उत्तम कमलों के द्वारा हम आपकी पुष्प पूजा संपन्न करें हैं। पूरा परिवार आ जाओ बेटियां, आप इधर आ जाओ, बड़े पापा के इधर आ जाओ, हाँ आप इधर आ जाओ बेटियों, इधर भी पुष्प दीजिए लगातार, हर स्वाहा में पुष्प जनाना है, ध्यान रखिएगा हर स्वाहा में पुष्प जनाना है, एक एक पुष्प। ओम रीम श्रीम श्री पार्श्वनाथ शासन देवी स परकराय गौर वर्णाय मनोवांचित पूर्णाय शांति तुष्टि पुष्टि रिद्धि वृद्धि प्रदायिकाय क्षेमं कराय विजयं कराय सृजन शासनो दीपकाय प्रोद्यत कराय शाकिनी डाकिनी असुर दानव प्रमथनाय पाताल लोक निवासिनी पद्मावत्यर्थे विजयार्थे मंगलार्थे श्री सराप परिवार कल्याणार्थे समस्त श्री संघर्ष कल्याणार्थे पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। जो भी धुले हुए कपड़े पहनकर आए हैं वो सभी लोग जाओ और माता के एक एक पुष्प चढ़ाओ, सभी लोग पूजा के कपड़ों में या धुले हुए वस्त्रों में जो आए हैं जिन्होंने वस्त्र पहनने के बाद कुछ खाया नहीं है वो सभी लोग जाओ और माता को एक एक पुष्प चढ़ाने का सौभाग्य लो। नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे पास प्रभु की मेरी पूजा करो स्वीकार, दयालु मेरी पूजा करो स्वीकार, नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे पास प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, दयालु मेरी पूजा करो स्वीकार। स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है माँ का दरबार, स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है माँ का दरबार, जहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे हर बार मिला है, यहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे हर बार मिला है। सभी लोग बोलिए स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है माँ का दरबार, स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है माँ का दरबार, जहाँ
जिसने ठिकाना मैया हमको दिया है, एहसान भारी उसने हम पे किया है। कैसे भूलेंगे जीवन भर हम उसका ये उपकार, कैसे भूलेंगे जीवन भर हम उसका ये उपकार। यहाँ मेरा प्यार मिला है मुझे हर बात मिला है, यहाँ मेरा प्यार मिला है मुझे हर बार मिला है। रोशन है मेरी दुनिया तेरे प्यार से, सब कुछ मिला है मुझको तेरे दरबार से। रोशन है मेरी दुनिया तेरे प्यार से, सब कुछ मिला है मुझको तेरे दरबार। तेरी शरण में आके मिला है एक नया परिवार, तेरी शरण में आके मिला है एक नया परिवार। यहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे हर बार मिला है, यहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे हर बार मिला है। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है माँ का दरबार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है माँ का दरबार। यहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे हर बार मिला है, यहाँ तेरा प्यार मिला है। जो लोग भी बाहर चले गए हैं कृपया सभी लोग अंदर आ जाओ, कोई बाहर नहीं जाना है। अभी आधी पूजा हुई है, 20 मिनट की पूजा और बाकी है। अधूरी पूजा छोड़ के बाहर जाने में पाप लगता है, दोष लगता है। जो भी बाहर गए हैं देखो अपने अपने परिजन को वापस बुला लो। सराब परिवार का सदस्य भी कोई बाहर गया तो वापस अंदर आ जाओ। पूजा के बीच में बाहर जाने से दोष लगता है। जो भी बाहर खड़े हैं सबको अंदर बुला लो, पूजा बीच में छोड़ के नहीं जाते। आप बैठ जाइए, अगली पूजा में बाकी लोग आएंगे। यही माता के प्राप्त में यही चढ़ाना, बाकी नहीं जाना। जो भी लोग बाहर गए हैं बीच में पूजा छोड़ के नहीं जाया जाता है। सभी विराज जाइए, सभी लोग विराज जाओ। अब कोई भी खड़ा ना रहे, जिसको जान देंगे वहां विराज। सभी लोग विराज जाइए। अब कोई भी खड़ा ना रहे, अगली पूजा में फिर बाकी लोग आएंगे। अब अगली पूजा केवल महिलाएं करेंगी। सभी लोग विराज जाओ। चलो 2 मिनट माता की भक्ति करते हैं और उसके बाद अगली पूजा शुरू करते हैं। ठीक 12:35 होते ही पूजा पूरी हो जाएगी। 12:35 होते ही पूजा पूरी हो जाएगी। बेटा बेटा ओ इडो, हाथ खोल लो, कमर सीधी कर लो, मन को तैयार कर लो और भक्ति के लिए रेडी हो जाओ। अरे सपने में दर्शन दे गए रे, नन्ही मुन्ही कोई बालिका आई, शीश पे शीश धारा छत्र धारण करके आई, और कुमकुम के पगलिए जब मन मंदिर में आई तो मेरे माँ से पूछा, माँ तुम्हारा परिचय क्या है, बालिका तुम्हारा परिचय क्या है। अब बालिका के मुंह से सुनते हैं बालिका का परिचय, आखिर वो नन्ही मुन्ही प्यारी सी छोटी सी बालिका कौन थी। अरे सपने में दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, सपने में बोलो सपने में, हाँ बोलो सपने में दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या एक नन्ही सी कन्या, छोटी सी कन्या एक प्यारी सी कन्या, सोए भाग्य जगाए गई रे एक छोटी सी कन्या, सोए भाग्य जगाए गई रे एक छोटी सी कन्या, सपने में दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या।
सपने में कन्या तो आ गई, पर मैंने माँ से चार सवाल पूछे। अब एक एक सवाल का जवाब माँ के मुंह से। कन्या से पूछा, मैया नाम तेरा क्या है? हाँ तो गई कन्या, अब मैं तो पहचान नहीं पाया कि नाम तेरा क्या है। तो चार सवाल किए, एक एक का जवाब। कन्या से पूछा, मैया क्या नाम तेरा क्या है? अरे पद्मावती नाम बताए गई रे, एक छोटी सी कन्या। पद्मावती नाम बताए गई रे, एक छोटी सी कन्या। सपने में बोलो, सपने में हाँ बोलो, सपने में बोलो बोलो, सपने में दर्शन दे गई रे, एक छोटी सी कन्या। सोए भाग्य जगाए गई रे, एक छोटी सी कन्या। दूसरा प्रश्न, कन्या से पूछा, मैया वेश तेरा क्या है? क्या पूछा? कन्या से पूछा, मैया वेश तेरा क्या है? पद्मावती माता का वेश का रंग कौन सा होता है? लाल। तो बोल पड़ी कन्या, लाल चुनरिया बताए गई रे, एक छोटी सी कन्या। लाल चुनरिया बताए गई रे, एक छोटी सी कन्या। सपने में हाँ बोल, सपने में हाँ बोल, सपने में दर्शन दे गई रे, एक छोटी सी कन्या। तीसरा सवाल, कन्या से पूछा, मैया भोग तेरा क्या है? क्या पूछा? भोग तेरा क्या है? अभी आप नीचे जाके खाएंगे खीर पूरी है। कन्या से पूछा, मैया भोग तेरा, और भी चीजें हैं, केवल खीर नहीं है, दाल बादाम का हलवा भी है, पर माँ की भक्ति है। अरे कन्या से पूछा, मैया भोग तेरा क्या है? अब माँ बोलती है, खीर पूरी लापसी बताए गई रे, एक छोटी सी कन्या। सपने में बोल बोल, सपने में बोल बोल, सपने दर्शन दे गई रे, एक छोटी सी। अंतिम सवाल, कन्या से पूछा, मैया धाम तेरा क्या है? रतिका, अरे वाह, रसिकला कभी कभी बैठे तो हम भिखारी बैठे हो। अरे कन्या से पूछा, मैया धाम तेरा क्या है? संबोधि धाम बताए गई रे, एक छोटी सी कन्या। संबोधि धाम बताए गई रे, एक छोटी सी कन्या। सपने में बोलो बोलो, सपने में बोलो बोलो, सपने वाह वाह, सपने में दर्शन दे गई रे, एक छोटी सी कन्या। सोए भाग्य जगाए गई रे। बोलो अपने हाथ और बजाओ माँ की भक्ति में तबीयत से ताली। माता की कौन सी पूजा है? नैवेद्य पूजा। हाँ जी, मिठाई थाली दीजिए, और इस मिठाई के थाल को स्वीकार करने के लिए, पूजा समर्पण करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा संबोधि धाम के बहुत गरिमापूर्ण अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले आदरणीय श्रीमती, नीचे से भी थाली मंगवानी, श्रीमती विजया माता जी मेहता है या विजय लक्ष्मी माता जी मेहता, कृपया आगे पधारे। और बाड़मेर से पधारे हुए आदरणीय शांति प्रिय सागर जी, हमारा सबके गृहस्थ जीवन के बहुत श्रद्धानिष्ठ, हम उन्हें गौरव के साथ कहेंगे, इनकी माँ बहुत बीमार रही, पर हमने कलयुग में अगर श्रवण कुमार देखा तो मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय अशोक जी मालू को, है यहाँ अशोक जी मालू, कलयुग का श्रवण कुमार है। शायद जल्दी कोई नहीं मिलेगा जिस व्यक्ति ने अपने माँ की इतनी सेवा की, शायद जिन्होंने जो इनकी माँ को पता है वो खड़ी नहीं हो सकती थी, पर ये कलयुग का श्रवण कुमार है अशोक जी मालू का। हाँ, शांति प्रिय सागर जी महाराज के बड़े भाई हैं, गौरव के साथ ताली बजाइए, अभिनंदन कीजिए। इन्होंने अपने माता पिता की हर इच्छा पूरी की और तबीयत से उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया अशोक जी मालू। और साथ में अनुरोध करूंगा बादल चंद सुगन कंवर विद्यालय की प्रिंसिपल पूर्व प्रिंसिपल आदरणीय श्रीमती अनीता जी मेहता परिवार, कृपया आगे पधारे और पधार कर पूजा की थाली भी किया। बेटिया मयूर भी आज सुनाओ, चलो नैवेद्य पूजा। पूर्णे विज्ञान शोभे शशधर धवले स्वास्थ्य बिंब प्रसन्ने ब्रह्मे स्वच्छे स्वकान्ते द्विजकर निकरे चंद्रिकाकार भासे अस्मिन् किं नाम वर्ज्यं दिन मनु सततम् कर्म संचालयन्ति श्रीं श्रीं शुं मंत्र रूपे विमल चरुवरे स्वाम्यजे देवी पद्मे
त्वाम्य जे देवी पद में, त्वाम्य जे देवी पद में। ये पूजा केवल अब महिलाएं करेंगी और सभी महिलाएं क्रमशः खड़े होते रहिएगा, एक एक मिठाई थाली में से लेंगे और जहां जहां साथिया किया हुआ है वो साथी के ऊपर एक एक थाली, एक एक मिठाई चढ़ाएंगे अपन, ठीक है ना। एक एक मिठाई अपन चढ़ाएंगे साथी के ऊपर, क्रमशः खड़े होते रहिएगा। ओम रिम श्रीम श्री पार्श्वनाथ शासन देवी सपकराई गौरव बनाई मनोवांचित पूर्णाई धन धान्य कोश करादि वृद्धि कराई शांति तुष्टि पुष्टि वृद्धि वृद्धि प्रदायी काई क्षेमं कराई विजयं कराई जिन शासन प्रोद्योत कराई शाकिनी डाकिनी असुर दानव प्रमथनाये पाताल लोक निवासिनी पद्मावती जयार्थे विजयार्थे मंगलार्थे सकल संघर्ष श्रेयार्थे श्री सराप परिवार कार्यण विश्व शांत्यर्थे निवेद्यम समर्पयामिति स्वाहा। एक एक मिठाई एक एक चलो चढ़ाओ चढ़ाओ एक 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 साथी पर एक एक मिठाई और एक एक बार एक एक ही है। बोले पद्मावती मात की जय हो, तुम कितनी अच्छी है, तुम कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ, तुम कितनी अच्छी है, तुम कितनी भोली है, तुम प्यारी प्यारी है। सराफ परिवार से जितने भी महानुभाव भाई बहन आए हुए हैं वे सभी लोग अपनी जगह से कर उठ करके आगे यहाँ गोलाई में आगे बैठे हैं। पुरुष लोग इस तरफ आ जाइए, पीछे यहाँ बैठ जाइए, आकर के आया खड़े हो जाइए, बस पुरुष सारे इधर आ जाइए, महिला इधर आ जाइए। सराफ परिवार के भाई बहन नहीं आप भी राजो, आप अभी विराजमान बस सराफ परिवार के जितने भी सदस्य कोई बाकी ना रहे, आपके काका मामा भाई भांजा में कोई पता नहीं, उनको भी इशारा कर दो।
जो भी है सराफ परिवार के मामा मामी काका काकी सर जो थोड़ी महीने उधर चले जाओ, थोड़ी महीने उधर चले बीच में रखवा दो, बीच में बीचों बीच वो दो बीचों बीच हाँ जी, सबके हाथों में दीप जला के दीजिए। मगरा साहब आप विराजिए, सबके हाथ में दीपक जला के थोड़े चौड़े थोड़े हो जाइए। कुछ महीने इधर आ जाओ भाई, आप सारा परिवार से इधर आ जाओ, चौड़े चौड़े खड़े होइए, यही फोटो कल अखबार में जाने का है, समझ गए। मुंह पर कपड़ा जरूरत नहीं है, नीचे कर सकते हैं। बाबू दीपक का माचिस, संजय बाबू, संजय बाबू आओ, दीपक मार दे। श्वेता भाई खड़े, दीपक जलाओ। हाँ जी, नमो सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु दीपक शुरू। हाँ बेटा शुरू करो, दीपक जलाना शुरू करो। दो दीपक इनको देख दीजिए जो बैठे हैं, बाकी दीपक सबके हाथों में दे दीजिए। हाँ एक एक दीपक उठा दे दीजिए। मेरे मन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, रोम रोम में, रोम रोम में बसाए पारस नाम रे। मेरी सांसों में समाया पारस नाम रे, हो मेरी सांसों में समाया पारस नाथ रे। मेरे मन में पारस नाथ, मेरे तन में पारस नाथ, रोम रोम में बसा है प्रभु नाम रे। मेरी सांसों में समाया पारस नाम रे, हो सांसों में समाया पारस नाम रे। आओ आइए आइए। हाँ पधारो माता जी, पधारो। जब कोई नहीं आता पद्मावती आती है, जब कोई नहीं आता मेरी मैया आती है। मेरे दुख के संकट के, ओ मेरे दुख के दिनों में वो 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 बड़ी काम आती है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आती है। माँ की दीपक पूजा, माँ की दीपक पूजा। माँ सर थोड़ी यूं करो, अशोक भाई साहब, अशोक भाई साहब शांता माता जी को यूं कीजिए। हाँ तब सबरा चेहरा मिला। नमो सिद्धाचार्य सर्वसाधुभ्य, हाथ जोड़ो दीपक पूजा। भास्वत पद्मासनस्ते जिन पद निरते, पद्म हस्ते प्रशस्ते प्राम प्रीम प्रुम प्रह पवित्रे, हर हर दुरितम।
दुष्ट जे दुष्ट चेष्टे वाचा लंबाव भक्त्या कृतशीवति भी प्रत्यहं पूज्य पादे चंदे चंद्राव कांगे मुनि ग्रहण विषे त्वाम यजे देवी पद में। हाँ आप भी दोनों यही खड़ा हो जाओ, मगरा सर आप इधर खड़े हो जाओ, भाई साहब आप बस ठीक है, एक बार खड़ो फोटो खिंचा फिर पाचा। हाँ यूँ खड़े हो जाओ, ठीक है आप माता रखने में बैठे बैठे ओम ह्रीम सेम से पार्श्वनाथ शासन देवी सपरिकराये गौरवाणाये मनोवांचित पूरणाये धन धान्य कोश गाराधिक। क्षेमं कराई विजयं कराई सृजन शासन प्रोद्योत कराई शाकिनी डाकिनी असुर दानव प्रमथनाये पाताल लोक निवासिनी पद्मावत्ये जयार्थे विजयार्थे मंगलार्थे श्री मगराज कमल जी सराफ परिवार ने कारापिते कल्याणार्थे विश्व शांत्यर्थे महापूजन महोत्सवे दीपम दर्शयामि स्वाहा। दीप दर्शन करो एक मिनट, अभी देखिए एक मिनट, अभी 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 दीप करते रहो, दीप जलाते रहो। ॐ ह्रीं श्रीं पद्मावती दीपं दर्शयामि स्वाहा। 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 जब से मुझे तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे तेरा दरबार मिला है, हाँ प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। नजरों को जब से तेरा दीदार मिला है, नजरों को जब से तेरा दीदार मिला है, क्या प्यार मिला है रे बहुत प्यार है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। फूलों सा चेहरा तेरा कल, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्काने है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। जब से मुझे तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे तेरा दरबार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत। हाँ जी, जिनके हाथ में दीपक है वो छोटी छोटी किताब भी हाथ में ले लो, दीपक करते रहो और अब तीसरे का पाठ करते हैं और उसके बाद अगली पूजा, बस अंतिम पूजा आ रही है। जिनके पास छोटी किताब नहीं है सबको दे दो छोटी वाली किताबें। पद्मावती माता की इक्तिसा सभी खोल लो, पेज नंबर 25। किसी के पास नहीं हो तो हाथ खड़ा करके ले लो, ये लीजिए पीछे दीजिए, आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, ये लीजिए और आगे बढ़ा दिया, सबको दीजिए किताबें, जिनके पास नहीं है सबको मिल जाए। नमो रसिद्धा जी उपाध्याय सर्व साधु प्रिया सबको मिल गई किताब, कोई बाकी तो नहीं है। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा की रात। देवी माँ पद्मावती ज्योति रूप महान, विघ्न हरो मंगल
खोलेंगे सभी के पास पुस्तक है पेज नंबर 25 जय 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 पद्मावती माता तेरी महिमा त्रिभुवन गाता मन की आशा पूर्ण करो मां संकट सारे दूर करो तेरी महिमा परम निराली भक्तों के दुख हरने वाली धन वैभव यश देने वाली शान तुम्हारी बिगड़ी बात बनेगी तुमसे नैया पार चतुर्भुजी माँ हंस वाहिनी मेहर करो माँ मुक्ति दायिनी किस विद पूजूं चरण तुम्हारे क्या बात मैं आया हूँ शरण तुम्हारी तू है माँ जगतारण हारी तुम बिन कौन करे दुख मेरा क्या बात तुम हो कल्पना आशा सतयुग की मंदिर मंदिर मूरत तेरी धूप तुम्हारी हुए हैं अंगे महिमा बढ़ती जाती निश्चित तुमने सारे जग को तारा हृदय कमल में वास करो मां सिर पर मेरे हाथ धरो मां मन की पीड़ा पूज रहे सब राजा राम पद मल रहे पद्मासन सोहे महामंत्र का मिला जो शरणा नाग योनि से पार उतरना पार सिला हुए उपकारी हे रखवारे पद्मावती प्रभु बाष्प उबारे जिसने प्रभु का संकट टाला कमंड शत्रु क्या करे बिगाड़े पद्मावती जहाँ काज सुधारे की कुमार की हर चट्टाने आगे आगे माने प्रभु का कष्ट निवारा जन्म जन्म का कर्ज उतारा पद्मावती रया की देवी प्रभु भक्तों की मंशा पूरे चिंता बड़ी सब चिंता छूरे पाशु प्रभु का जयकारा हो पद्मावती का जनकारा माथे मुकुट भाल सूरज जो इंद्रिया चमक रही चंदा जो अधरों पर मुस्कान शोभनी माँ की मूरत सुरनर मुनि जन सुरनर मुनि जन माँ को ध्यावे संकट माँ को पहले भोग लगाऊं पीछे ही खुद भोजन पाऊं माँ के यश में अपना यश हो अंतर मन में सुबह उठो माँ की जय बोलो सांझ ढले माँ की जय बोलो जय जय माँ नित्य जय देवी मन करो माँ शुक्रवार माँ का दिन प्यारा जिसने पांच बरस व्रत धारा उसका काज सदा सन व्रत नियम पाल कर धूप दीप चंदन भोजन लाल वेश हो चूड़ी कंगना फल श्रीफल ने मन की आशा पूर्ण हुए जब छत चढ़ाए चांदी कांत अंतर में हो शुक्र गुजारी माँ का व्रत है मैं हूँ बाबा लक अज्ञानी पर तेरी मैं बाप पहचान साचे मन से जो भी जीवन में माँ का संबल हो हर संकट में नैतिक बल हो पाप न होए पुण्य संजोए ध्यान भरे मन दीन दुखी की मदद हो मुझसे माता पिता की चला रहम हुए मेरी माफ करो
भक्ति मंगल राजा। बोलिए पद्मावती मात की जय। एक एक साथ पर एक एक दीपक विराजमान कीजिए, एक एक साथ पर एक एक दीपक। चलो अगली पूजा मन संबंध करें, धूप पूजा दीपक विराजमान कीजिए। जितने लोग खड़े हैं अपनी जगह पे जाके वापस बैठ जाइए। इसपे हो गया ना प्रॉपर, किस पर रखिए, किस पर रखिए, हां ऊपर रखिए, साथ के करो, ये पोर्टल वाले पर रखिए, फिर आगे जाके लाइन से लाइन देखो। आराम से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया। अगली पूजा, हाँ सभी लोग विराज जाओ बहनों, सभी लोग सराब परिवार विराज जी की कृपा करो। खूब आनंद आया है ना पूजा का। विराज जी विराज गति से विराजिए। अब अपन अगली पूजा कर रहे हैं धूप पूजा, और धूप पूजा को संपन्न करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर शहर के गौरव में डॉक्टर राजेंद्र जी पामेचा परिवार, और जो सदा संबोधित धाम में जब महापूजन होते हैं उनकी समस्त व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देने में अपनी भूमिका अदा करते हैं श्री वीरेंद्र जी मनोत प्रष्टी संबोधित धाम, उनका परिवार कृपया आगे पधारे और पधार कर अगली पूजा का लाभ लीजिए। मनोत परिवार और पामेचा परिवार आगे पधारे, पूरा परिवार आ जाए। दो पूजा बाकी लोग सभी विराज जाइए। हाँ श्वेता जी गहलोत, श्वेता नम्रे भूतकृति सप्रवर मणिकटौ दृष्ट पादारविन्दे पद्माक्षे पद्मनेत्रे गजपति गमने। हाँ आगे बदलो, आगे बदलो, दो धूप दियो बेटा, दो धूप जला के जाओ। माता की दुख पूजा कर रहे हैं मेहता पामेचा परिवार एंड मुनोत परिवार एंड गहलोत परिवार, तीनों परिवार हाथ में दो शांति तुष्टि पुष्टि वृद्धि प्रदायी कायी क्षेम कराई विजयन कराई सृजन शासनों प्रोद्योत कराई शाकिनी डाकिनी असर दानव प्रबंधनायी पाताल लोक निवासिनी पद्मावती जयार्थे विजयार्थे मंगलार्थे श्री मगराज कमल सराप परिवार कारण कल्याणार्थे विश्व शांति थे धूपम आग्रहयामि जब खिड़की खोलूं तो, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, ओ मेरे घर के, ओ मेरे घर के आगे आंगे तेरा दर्शन, तेरा मेरा तेरा मंदिर बन जाए, ओ मेरे घर के आगे मैया तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए, तेरी खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए, मेरे घर के, ओ मेरे घर के आगे मैया तेरा मंदिर बन जाए, तेरे घर के आगे मैया तेरा मंदिर बन जाए। आते जाते मैया प्रणाम करूं, आते जाते मैया तुझको प्रणाम करूं, जो मेरे लायक हो वो तेरा काम करूं, तेरी सेवा करने से तेरी किस्मत बन जाए। अजी अभी पूजा माता की आवाहन कर रहे हैं, महत्वपूर्ण पूजा फलदायिनी फल पूजा।
श्री उमेश जी लीला परिवार, कृपया उनका पूरा परिवार आगे आए, अगली पूजा का लाभ लीजिए। श्री उमेश जी लीला परिवार है यहाँ पर, परिवार के सारे सदस्य आगे आओ। अच्छा, लीला परिवार से सभी लोग अगली पूजा का लाभ लिए। फल पूजा, हाँ फल देवो साहब, श्री फल देवो जी साहब, सारे श्री फल स्वागत है। अब वे लोग श्रीफल आकर के चढ़ाएंगे, यहाँ पर रहेंगे श्रीफल, जिनका अभी तक एक बार भी पूजा में हाथ नहीं लगा। आगे आके हाथ खड़ा करो, कौन कौन है जिनका एक बार भी हाथ नहीं लगा? ठीक है, अब जिनका अभी तक एक बार भी पूजा में हाथ नहीं लगा है, वे सभी लोग आकर के अब श्रीफल अपने हाथ से एक एक साथी पर जाएंगे मंत्रोच्चार के बाद। एक एक व्यक्ति आते रहिएगा, बहन आते रहिएगा, और अपने हाथ से एक एक श्रीफल माता के क्या नाम साथी पर चढ़ा लेगा। फल की थाली कहाँ है? फल की थाली तो जो उनके हाथ में दीजिए, लीला परिवार के हाथ में दीजिए। बस सारा फल उठा लो, सारी थाली दे दीजिए, हाथ में दीजिए, एक दो थाली इनके हाथ में दीजिए। जिनके भी हाथ लगने बाकी है वो श्रीफल चढ़ाएंगे अपने हाथ से। नमो सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यं। हाँ, जो भी बाकी रहे हैं पूजा में, जो बाहर भी है, जिनके हाथ अभी तक पूजा में नहीं लगे हैं, सभी लोग अंदर आ जाओ। अब बस अंतिम पूजा है तो अपने हाथ लगा लो, फिर तो पेट पूजा है, माँ की पूजा तो अंतिम पूजा है। ले लो भाई, बड़े स्वभाव है से बार बार। प्रभु की भक्ति है। विद्युत ज्वाला प्रदीप्त प्रवर मणिमयी मोक्षमालंकर अब्जे रंगे वृंदां धरन्ति सततमनुजनम सांकुशे पास्तहस्ते नागेन्द्रे विन्दचन्द्रे विपुलमनुजने संस्तुते देवदेवी पद्मर्चे त्वां फलोके दिशतु मम सदा निर्मलां सर्वसिद्धिं निर्मलां सर्वसिद्धिं। ओम ह्रीं श्रीं श्री पार्श्वनाथ शासन देवी सपकराय गौरवर्णाय मनोवांचित पूर्णाय धन धान्य कोशगारादि वृद्धिकराय शांति तुष्टि पुष्टि वृद्धि वृद्धि प्रदायी कायी क्षेमं कराय विजयं कराय सृजन शासनो प्रोद्युत कराय शाकिनी डाकिनी असुरदानव प्रमथनाय पाताल लोक निवासिनी पद्मावती जयार्थे विद्यार्थे मंगलार्थे। श्री मगराज कमल सराप परिवार ने कारा पीते ना कल्याणार्थे विश्व शांति अधि फलम समर्पयामिति स्वाहा। एक एक साथी पर एक एक फल चढ़ा दीजिए उमेश प्रभु, एक एक साथी पर एक एक फल चढ़ा दीजिए, और जिनका हाथ नहीं लगा है अभी तक पूजा में, अब वो आ जाओ अपने हाथ से श्रीफल चढ़ा दो। सब लोग आ गए, जिनका एक बार भी हाथ नहीं लगा है श्रीफल चढ़ाओ। यहाँ बजाओगे ताली घर में बज जाएगी। अब अंतिम पूजा माता की, वेश पूजा, आभरण पूजा, आभूषण पूजा,
वेश की थाली सबके पास आ रही है, बड़ी थाली जो है दो थाली में कर दो, वेश में दो थाली में कर दो, फटाफट सबका सिर छू दो ताकि सबको थाली चलाने का, माता को वेश चलाने का लाभ मिल जाएगा। सबके सिर का स्पर्श कर दीजिए माता की थाली का। एक जना दो जना जाओ, एक जना लेडीज में, एक जना जेंट्स में, एक जना पुरुषों में जाओ, एक जना जेंट्स में जाओ। कमल बहू खड़ी हुई है, सबका सिर का स्पर्श कराना ताकि सबको लाभ मिल जाए। सब ये एहसास करो कि माता की वेश की थाली आपके सिर पे आ रही है और अपने हाथ से अपन सबको चढ़ाना है माता को। वो किताब जिनको चाहिए अपने साथ ले जाइएगा। छह महीना में एक बार आया, बहुत दिखता सबको। आज भी पत्तो है किनारे खंड दर्शी हाँ जी। अंतिम पूजा वेश पूजा आ रही है, ये अब बस अब सबके हाथ में धागा आएगा, समझ लो बेटा। संगीत बन दो तीन खास सूचनाएं दे रहा हूँ। नंबर एक, आगामी वर्ष सन 2022 में संबोधि धाम में सरस्वती माता का पूजन करने का सौभाग्य जिनकी घर से ये विशाल प्रतिमा और पूरा परिसर निर्मित हुआ था, उसी परिवार ने अब वापस अपनी माता की महापूजन कराने का सौभाग्य ले रहे हैं। हमारे धर्म संघ के गौरव में सुशावक, संबोधि धाम के गौरव में परिवार, आनंद जी, सुरेश जी, राठी परिवार जिनके द्वारा प्रतिमा का निर्माण हुआ, अगले साल का महापूजन उसी परिवार के द्वारा संबोधि धाम में संपन्न होगा। ताली बजा के अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। आज अगर देश के हर हाथ में हमारी किताब मिलती है, हर घर में हमारी किताबें मिलती है, गौरव के साथ हम कहेंगे हम दोनों गुरुजनों, तीनों गुरुजनों के बाद अगर किसी व्यक्ति ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा की है घर घर में संबोधि धाम के साहित्य को पहुंचाने में, तो है भाई श्री सुरेश जी राठी। अभिनंदन। सुरेश जी राठी को खड़ा कर, जानता पूरा शहर जानता, क्यों जी सुरेश जी राठी को खड़ा कर दिया, पूरा शहर जानता। काले कन्हैया को सब जानते हैं। हाँ जी हाँ जी। दूसरी खास सूचना दे रहा हूँ, अपन ने जो प्रभु प्रसादम की योजना गांधी मैदान चातुर्मास में प्रारंभ की थी, पहले ये योजना शांति लॉज के बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर चल रही थी, काफी महीनों तक चली। लॉकडाउन के बाद इस योजना को सरकारी नियमों के अनुरूप रोकना पड़ा, अब ये प्रभु प्रसादम की व्यवस्था वापस चालू हो गई है और अभी दो स्थानों पर यह प्रभु प्रसादम की व्यवस्था चालू हो गई है। रेलवे स्टेशन के बाहर जो इंदिरा रसोई घर है वहां पर, एंड पहला पुलिया पर जो इंदिरा रसोई घर है वहां पर हर रविवार 200 लोगों को संबोधि धाम की तरफ से यानी प्रभु प्रसादम योजना के अंतर्गत सभी को भोजन वहां पर 200 लोगों को स्टेशन के बाहर और 200 लोगों को पहला पुलिया पर हाउसिंग बोर्ड पर हर रविवार भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। रेलवे स्टेशन शांति देखो खास अनुरोध कर रहा हूँ। नंबर एक, हर रविवार यहाँ पर दिव्य सत्संग प्रवचन होते हैं। मैं आपको बताऊं,
आप लोगों को तो हम क्या इतने अनायास मिल गए हैं ना, तुम जोधपुर वाले समझ नहीं पाते कि उनके शहर में कौन सी ज्ञान की गंगा है। हम किसी भी शहर में जाते हैं ना, चाहे वो देश का कोई भी शहर हो, नाम ही काफी है कि चंद्रपुर जी महाराज आ रहे हैं या उनके छोटे भाई ललित्र जी आ रहे हैं, इतना नाम ही काफी है और हजारों लोग मैदानों में इकट्ठे हो जाते हैं। अभी जब इंदौर से लाइव प्रवचन माला चली थी, सुनी होगी ना सब लोगों ने, रोज सवा घंटे की 125 मतलब देशों में लाइव हुई थी और आर्यन चैनल के अलावा अनुमान से करीबन 1.5 करोड़ लोगों ने पूरे विश्व भर में उस प्रवचन माला को लाइव देखा। आर्यन चैनल वाले बताते हैं 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग लाइव अपनी प्रवचन माला को सुन रहे थे। तो ऐसी प्रवचन माला हर रविवार संबोधि धाम में सुबह 9 से 11 बजे तक नियमित चलती है। ध्यान साधना दिव्य प्रवचन, आप लोगों को जिनको सुविधा हो खुद भी आए और अपने साथ अपने पड़ोसी को भी, ठीक है ना, आप पड़ोसी को और आप पड़ोसन को, ठीक है ना, उल्टा उल्टा मत करना, तो अपने साथ में भी ले आए और सत्संग का नियमित लाभ प्राप्त करें। सुबह 9 से 11। अब माता की अंतिम पूजा वेश पूजा, जो भी थाली, एक थाली वहां पर, हाँ ये वेश सराफ परिवार चढ़ाएगा, तो उनके सदस्य आगे वहां जाओ, माता को वहां वेश योगा जी करेंगे, वेश चढ़वाने की कार्रवाई करेंगे, सराफ परिवार के बेटे आगे जाओ, नहीं आप तो अभी गिरा दो, आप यहीं पे यहाँ पड़े जाओ, अपने घर नया चेंज कर दो, आप वहां पता दो, चलो आप दोनों वहां जाओ, आपके शादी के सालगिरह है ना, तो आप वहां पता लगा, डॉक्टर शशि जी पामीचा, डॉक्टर शशि सॉरी डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी शशि पामीचा पधारो और वेश समर्पण करने का सौभाग्य लो। चलो हाँ यहाँ मिला, यहाँ कौन मिला देंगे, यहाँ मिला देंगे, यहाँ भी वेश चढ़ेगा। नितेश बाबू, नितेश और बच्चा सो रहा है जी, बच्चा सो रहा है, बच्चे लगा कहीं सब जगह और कौन है परिवार लोग मिला जी, घंटा पर भी तो दो दिया नहीं के साथ जुड़वा रहा, बहुत बड़ी तपस्या हुआ साथ, दो बच्चे लेके साथ पास आओ बेटा, और जो भी है सारा परिवार के सदस्य सब आ गया, अभी माता की अंतिम पूजा है, फिर आरती है, आपके हाथ में धागा आ गया है, सबके हाथ में अभी भिजवाते हैं, बस वो धागा लेके जाना है, अभिमंत्रित धागा, ये तो गजब का चमत्कारी होता है, वो पूछने मत, तो इसको अभिमंत्रित अभी किया जाएगा, फिर अपने गले में या जिसको पसंद करते हैं उसके गले में ये धागा पहना दीजिए, सभी को चाहिए, एक मिनट पूजा होने के बाद, पूजा होने के बाद वस्त्र पूजा, माता की वेश पूजा, श्रीमन महामी वस्त्र पूजा और नमो सदा जलो पद्या सर्व साधुभ्य श्रीमन महाजीन दुपुर नेत्रै सत्क्षौम कोशे गय जीन वस्त्रै शुभांशुके शेन मणि प्रवांगी यजामहे पन्नग्र जाज देहि ओम। और सुभाष माता की आवरण पूजा भी हो रही है, कांची सुत विनुत सारणि सुते केयूर सत्कुंडल रे मंदिरांगत मुद्रिका मुकुटे प्रलंबिका वासके अंच चाटिक पट्टिका विलवत ग्रैवैके भूषणे सिंदूरांग सुकांति वृष्ट वर्ष सुभगे संपूजया मोहयम शांति।